दोस्तों एक संत छोटे से आश्रम का संचालन करते थे। एक दिन उन्होंने रास्ते से एक राहगीर को पकड़ लिया और उन्हें शिष्यों के सामने ले आए। फिर उस राहगीर से एक प्रश्न किया और उस राहगीर से पूछा कि अगर तुम्हें रास्ते में सोने की अशर्तियों की थैली मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे। हाय गाइस, मैं हूं शिव और यह अद्भुत प्रसंग हम सबके लिए। राहगीर ने संत जी के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि मैं तुरंत इसके मालिक का पता लगाऊंगा, अन्यथा राजकोष में अशर्तियां जमा करा दूंगा। तो संत जी हंसे और उस राहगीर को विदा कर दिया और फिर शिष्यों के सामने जाकर बोलते हैं कि ये आदमी तो मूर्ख है। दोस्तों अब शिष्य बड़े हैरान हुए। उन्होंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी, वो आदमी ठीक तो कह रहा है और हमें सिखाया भी गया है कि किसी भी पराई वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। थोड़ी देर बाद संत जी एक और राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और उस राहगीर से वही प्रश्न किया कि अगर तुम्हें रास्ते में सोने की अशर्तियों की थैली डली मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे। उस दूसरे राहगीर ने उत्तर दिया कि क्या आप मुझे मूर्ख समझते हैं? अगर मुझे सोने की मुद्राएं मिल जाए तो क्या मैं उसके मालिक को धूटा फेरूंगा? और आपने मुझे समझ क्या रखा है? ऐसा उत्तर देकर राहगीर वहां से चला गया। अब संत जी ने शिष्यों से कहा कि ये आदमी शैतान है। गुरु जी का उत्तर सुनकर शिष्य बड़े हैरान हुए। पहला वाला मूर्ख, दूसरा वाला शैतान, आखिर गुरु जी चाहते क्या है? इस बार संत फिर आश्रम के बाहर गए और तीसरे राहगीर को पकड़कर अंदर ले आए और उससे वही प्रश्न किया कि अगर तुम्हें रास्ते में सोने की अशर्फियाँ डली मिल जाए तो तुम उसका क्या करोगे। दोस्तों राहगीर सज्जन आदमी था तो उसने सज्जनता से उत्तर दिया। उसने कहा कि महाराज, अभी कहना मुश्किल है, इस चंडाल मन का क्या भरोसा है, एक क्षण की भी खबर नहीं है कब ये धोखा दे जाए। अगर परमात्मा की कृपा रही और सद्बुद्धि बनी रही तो मैं लौटा दूंगा। संत जी ने उस राहगीर को विदा कर दिया और अपने शिष्यों से कहा कि ये आदमी सच्चा है, इसने अपनी दौर परमात्मा के हाथ में सौंप रखी है, ऐसे व्यक्ति द्वारा कभी गलत निर्णय नहीं लिए जाते। दोस्तों जेठ पांडव सूर्यपुत्र कर्ण कर्म धर्म का ज्ञाता था। क्या कारण था कि वो अपने छोटे भाई अर्जुन से हार गया, जबकि कर्म और धर्म दोनों में अर्जुन से श्रेष्ठ था? दोस्तों कारण ये था कि अर्जुन अपने घर से निकलने से पहले अपने जीवन की रथ की डोर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दे दी थी। दोस्तों अगर हम अपने कर्मों की डोर ईश्वर के हाथ में सौंप दें तो हमसे कोई गलत काम हो ही नहीं सकता है। अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर रखना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह यूजफुल कंटेंट प्रतिदिन बनाते रहते हैं। जय श्री राम।